हाय दोस्तों, मैं राकेश रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है वायरल इन्फो वार। इस चैनल पर मैं लेकर के आता रहता हूं पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग और अर्निंग के नए नए तरीके। फ्रेंड्स, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है क्योंकि आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि बिहार के अंदर बेरोजगारी भत्ता आप कैसे प्राप्त कर सकते। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं बताने वाला हूं कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 क्या है, बिहार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कहां और कैसे करें, जो व्यक्ति पहले इस बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर चुके हैं वो अपनी अप्लीकेशन की स्थिति कहां पे कैसे देख सकते हैं, इसको बताने के लिए बस मैं एक ही फॉर्मूला दूंगा, वादा। बस ये वादा से वादा करो कि आप भूलकर भी इसे नहीं भूलोगे, फिर देखना आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इस तरीके का जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एजेंडा है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 क्या है। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उन युवाओं के लिए किया गया था जो युवा बेरोजगार हैं। इस योजना के तहत बिहार के वैसे युवा जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं, उनको बिहार सरकार की तरफ से प्रतिमाह 1,000 रुपए की धनराशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जाएगी। ये भत्ता उनको तब तक दी जाएगी जब तक कि उनको नौकरी न मिल जाए या उनका कोई रोजगार न शुरू हो जाए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इस बेरोजगारी भत्ता को पाने के लिए योग्यता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस योजना की योग्यता ये है कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो, इसके साथ साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री भी उनके पास होना चाहिए और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो इस प्रकार से है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए जो इस प्रकार से: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बिहार का बोनाफाइड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और भी बहुत कुछ। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट के DRCC ऑफिस में जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी जमा करें। अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं और वहां पे आपको दिखाता हूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और जो व्यक्ति पहले से अप्लाई कर चुके हैं वो अपना एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2020 में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नाम डालेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम अगर है तो डालेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे आप अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे क्योंकि उस ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP आएगा। फिर उस दोनों OTP को यहाँ पे आप डालेंगे। मोबाइल के लिए अलग डालना है और ईमेल आईडी के लिए अलग डालना है। दोनों OTP डालने के बाद यहाँ पे SHA को सेलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, प्लीज प्रिजर्व यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज। यानी फ्यूचर के लिए जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो हमारे ईमेल पे आ चुका है, फ्यूचर में जब भी हमें कभी लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी यूजर आईडी और पासवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। तो तत्काल गो टू होम पेज पे क्लिक करके मैं उसी पेज पे चलता हूं जहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। अब मैं फिर से उसी पेज पे आ गया हूं। यहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, यहां पे कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। इस तरीके से मैंने यहां पे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल दिया है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहां पे आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे क्योंकि अभी जो पासवर्ड आपके पास आया है वो सिस्टम जनरेटेड है। अब आप जो भी पासवर्ड को याद रख सकते हैं वो यहां पे आप चेंज कर लेंगे। इस तरीके से मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे प्लीज लॉगिन अगेन क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना फिर से यूजर आईडी डालेंगे, नया वाला पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प अलाउंस। अब आपको इस फॉर्म को शुरू से अंत तक फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैट्रिक का कुछ डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल है और बहुत सारे डिटेल्स है, सारे को आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ से आप 10th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे रोल कोड लिखना है, यहाँ पे आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, आपने 10th किस ईयर में पास किया है, यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिखेंगे।
इसी तरीके से आप 12 स्टैंडर्ड में भी फिल करेंगे। यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे रोल कोड लिखेंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर्स लिखेंगे और यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे बिहार ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड्स का फर्स्ट नेम लिखना है। अगर फादर या हस्बैंड का मिडिल नेम है तो यहाँ पे पुट करेंगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे फादर या हस्बैंड का लास्ट नेम लिखेंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे मदर्स फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिसका एज 20 to 25 है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप अपना एज लिखेंगे ईयर और मंथ में। फिर यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल। फिर यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर आपने पहले डाला था वो ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे आधार नंबर आपका डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या जनरल में आते हैं, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आवेदक का जिस नाम से लॉगिन है उसी नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे आपके बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा और आपका ब्रांच नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका परमानेंट एड्रेस किस एरिया में आता है, रूरल एरिया में आता है या अर्बन एरिया में आता है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर का कोई नाम है या नंबर है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। फिर उस एरिया और लोकेलिटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यदि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, यदि सेम नहीं है तो फिर से इस फॉर्म को फिल करेंगे। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। फिर प्रीव्यू करके देखेंगे मेरी सारी एंट्री सही है या नहीं। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ युवा कौशल ट्रेनिंग के लिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। नॉलेज लेना बुरी बात नहीं है, इसलिए कुशल युवा ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, एक टेक्निकल हैंड है, ये फ्यूचर में आपको बहुत फायदा करेगा। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ओके करेंगे, यहाँ पे आप ईमेल एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मेल पे एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में पीडीएफ होगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप फोटो लगाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ डीआरसीसी में आप जाकर के सबमिट करेंगे। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया आपका समाप्त हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल और मेल पे एक डेट आएगा डीआरसीसी की तरफ से, किस डेट में आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जिसमें एक आईडी होगा, फ्यूचर में आप उसी आईडी का इस्तेमाल करेंगे। आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करने के बाद करेंट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, उसमें आप आईडी डाल करके अपना आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद जब अप्रूव हो जाएगा फिर आपका पैसे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स एज और क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग साइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें डीआरसीसी का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही अर्निंग से संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा आने वाला वीडियो काफ़ी पावरफुल है। जो भी हमारे भाई बंधु इस तरीके से तैयारी करते हैं, जिनको अभी नौकरी प्राप्त नहीं हुए, उन सारे को इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद।